नमस्कार दोस्तों, द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये वीडियो है केवल और केवल बीटीसी 2015 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए। अगर आप भी 2015 बैच के प्रशिक्षु हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे इस चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो मिल सके। तो देखिए, बीटीसी 2015 बैच स्पेशल वीडियो है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो सीनियर हैं 2014 बैच के लोग, वो अभी तक सीटेट पास नहीं हैं, और हाल ही में कोई ऐसी वैकेंसी आती है तो वो उस भर्ती में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, उस भर्ती में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। उसका सीधा सा एक रीज़न ये है कि वो अभी तक सीटेट पास नहीं है, जबकि उनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो सीटेट पास ना करने का एक ही कारण है, क्योंकि उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि पिछली वर्ष कोई भी सीटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई। तो इस वर्ष सन 2018 में सीटेट होने जा रहा है, तो आप सभी लोग भी उस संबंध में तैयार रहेंगे। अब क्यों रहेंगे तैयार, आपके लिए सीटेट 2018 क्यों बहुत ज़रूरी हो गया है वो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो पहली बात ये है, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि 68,500 जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी, तब तक आपको नई वैकेंसी आपके लिए नहीं आ सकती है। और आप लोग अगली वैकेंसी के लिए कब तक इंतज़ार करेंगे, आप जानते हैं कि ये वैकेंसी अगले लोकसभा चुनाव सन 2019 तक ही पूर्ण हो पाएगी। तो समझ लीजिए कि 2015 बैच के लिए 2019 से पहले कोई वैकेंसी नहीं है, ये देखिए कटु सत्य है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारा प्रशिक्षण सितंबर 2018 में पूर्ण हो जाएगा और दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा तो तुरंत वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके लिए वैकेंसी 2019 में आएगी, और वो भी कब ये भी पता नहीं है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि उस यूपी की वैकेंसी से पहले आपको सोचना होगा कि आप केंद्रीय स्तर की कोई भी वैकेंसी, जैसे KVS, NVS, DSSB, आर्मी स्कूल, इनमें भी टीचर्स की वैकेंसी होती है, आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे आप, उनके लिए सीटेट अनिवार्य होता है। ठीक, अब मैं सीटेट पर इतना अधिक फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट 2018 में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो, यूपी टेट तभी होगा जब ये वैकेंसी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से पिछली बार 2017 में यूपी टेट कराया गया था कि 68,500 जो भर्ती है वो उसी में इन लोगों को प्रतिभाग कराया जाएगा। तो जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक अगला यूपी टेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप सीटेट के लिए बहुत ही तैयार हो जाएंगे। तो अतः मौके का फ़ायदा उठाती हुए आप सभी लोग सीटेट की परीक्षा अच्छी तरह से तैयार करें, आप अपने समय से पहले एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, मतलब अगर आप ये सीटेट पास कर लेंगे तो किसी भी परीक्षा के लिए आप योग्य हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं कि यूपी में वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपी की वैकेंसी आ रही है जल्दी ही, तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि सभी को नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब ये है कि आप यूपी टेट का इंतज़ार ना करते हुए सीटेट पर फोकस करेंगे, और हाल ही में जो वैकेंसी निकलने वाली है सीटेट की, फरवरी में निकल आएगी, तो उसमें आप अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करेंगे और उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक, तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ फरवरी का सीटेट जरूरी है, क्योंकि यूपी टेट जो है 2018 में होना मुश्किल है। ठीक है, यूपी टेट 2018 में होना मुश्किल है, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि यूपी टेट हर साल होगा। ठीक है, लिखा जरूर है कि होना चाहिए, लेकिन सरकार की मर्जी है कब कराए कब ना कराए। और इस साल 2018 में यूपी टेट होने की संभावना इसलिए बहुत ही कम है, क्योंकि जब तक भर्ती पूर्ण नहीं होगी तब तक यूपी टेट अगला नहीं आएगा, और भर्ती पूर्ण होगी कि नहीं वो आप जानते हैं। तो चलिए देखो, अंत में बस यही बताना चाहूँगा कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी एजुकेशनल। मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, पर्यावरण में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की भी मैं वीडियो आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो उन वीडियो का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में बस एक बात और कहूँगा कि इस वीडियो के द्वारा मैंने 2015 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को ये संदेश दिया है कि आप लोग सीटेट जो आने वाला है हाल ही में,
उसको मतलब नज़रअंदाज ना करें, उसको मतलब बहुत ही छोटा मत समझें, उसको आप निश्चित रूप से पास करें, जिससे कि आप किसी भी भर्ती के लिए योग्य हो जाएं, चाहे यूपी की हो चाहे केंद्र की। ठीक, तो इस वीडियो को जितने भी 2015 बैच के प्रशिक्षुओं ने देखा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, अपना नाम मेंशन कर देना कि मैं 2015 बैच से हूँ, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे चैनल से 2015 बैच के प्रशिक्षु भी जुड़े हुए हैं, तो हमको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाए कि हाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप 2015 बैच के हैं। और एक निवेदन और करना चाहूँगा, किसी के पास अगर 2015 बैच के फेसबुक ग्रुप की लिंक हो, ठीक है, 2015 बैच के किसी फेसबुक ग्रुप की लिंक हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना वीडियो में, उस लिंक को कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।